आपका वेलकम हो गया आपके अपने ही चैनल क्रिप्टो न्यूज़ गुरु में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और व्यूअर्स, आपको मालूम है जैसा कि हमने लास्ट दो तीन वीडियो ब्लॉकचेन वॉलेट से रिलेटेड डिस्कस की थी, पर आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनेंस से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइनेंस से अगर आपने BNB को ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे करना है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एटॉमिक वॉलेट से रिलेटेड, लेकिन आप BNB को किसी दूसरे वॉलेट में करना चाहते हैं तो सेम ही कर सकते हैं। लेट्स सपोज हाउ टू विड्रॉल BNB फ्रॉम बाइनेंस अकाउंट। बाइनेंस अकाउंट से अगर विड्रॉल करना हो BNB को या ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्रिप्टो न्यूज़ गुरु को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप शेयर किया करें और वीडियो को लाइक और जो है सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी किया करें। अब यहाँ पे मेरे चैनल पे आएंगे तो वीडियो के पोर्शन पे अगर आप आ जाते हैं, ये मेन वीडियो का पोर्शन है, यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी बाइनेंस से रिलेटेड और जो है ब्लॉकचेन से रिलेटेड। हमने अभी तीन वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को और वीडियोस को देखते रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एक्सचेंजेस की लाता रहूँगा। लेट्स सपोज अभी KuCoin पड़ी हुई है और बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन रहती है। खैर, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अगर बाइनेंस को ट्रांसफ़र करना हो, विड्रॉल करना हो बाइनेंस से BNB को तो कैसे करना है। इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले हम बाइनेंस की मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आप देखें कि आपका जो है मेन पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है। अगर आपने ईमेल से बनाया तो ईमेल से अकाउंट लॉगिन करेंगे, अगर मोबाइल से बनाया तो मोबाइल से करेंगे। तो मैंने ईमेल से बनाया हुआ है तो मैं ईमेल यहाँ पे जाके लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। अब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे ख्याल में वेरिफिकेशन पूछी जाएगी कि मैं किस पे लेना चाह रहा हूँ अपनी वेरिफिकेशन। मैं फ़ोन पे लेना चाह रहा हूँ या गूगल ऑथेंटिकेशन के ज़रिए, तो मैं गूगल ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर दूंगा। अब गूगल ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद मैं अपना मोबाइल ओपन करूंगा, और मोबाइल ओपन करने के बाद आपको मालूम है कि मैंने अपना जो है गूगल ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ, इस वजह से मैं इसके ऊपर जाके जो है अपना ऑथेंटिकेशन ऑन कर दी। हमने ऑन करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा अकाउंट जो हमारे सामने लॉगिन होने जा रहा। अब हमारे पास हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया हमारे पास। ये हमारे अकाउंट का मेन इंटरफेस है, और यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे तो हमारे पास कुछ करेंसीज पड़ी हुई हैं, जिसमें जो है शिबा है, BTC, SLP है, वेट है। तो हम देखते हैं हमारे पास BNB पड़ा हुआ है, अगर तो पड़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे। वो भी मैं दिखा दूंगा आपके। हमने यहाँ पे वॉलेट पे जाना है और फिएट एंड स्पोर्ट पे आ जाना है। फिएट एंड स्पोर्ट पे आने के बाद इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो मेन पे आ जाएंगे आप। फिएट एंड स्पोर्ट पे आ गए तो यहाँ पे देखें हमारे पास मेन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमारी सारी की सारी करेंसीज हमें शो हो जाएंगी। यहाँ पे हमें हमारी सारी करेंसीज शो हो रही हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास वी चेन पड़ा हुआ है, SLP है, BTCC है, SHIB है और BNB है। अब BNB है हमारे पास, यहाँ पे देखें ये BNB है। अब हम ये ट्राई कर लेते हैं कि ये BNB ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा। अगर तो ये हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो हम फिर थोड़ी सी कुछ ट्रांसफ़र करके देख लेंगे BNB इसमें अगर होते हुए, नहीं तो अदरवाइज प्रोसीजर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि विड्रॉल कैसे करना और रिसीव कैसे होगा आपको। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं विड्रॉल के ऑप्शन नज़र आ रही है, पे यहाँ पे डिपॉजिट और यहाँ पे विड्रॉल। विड्रॉल के ऑप्शन के ऊपर आपने आ जाना और विड्रॉल के ऑप्शन के ऊपर आपने आके क्लिक कर देना। जब यहाँ पे आप आके क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें ये BNB आ गया और यहाँ पे एड्रेस की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आपने एड्रेस देना, अब यहाँ पे आपने BNB का एड्रेस देना है। यहाँ पे आपने BNB का एड्रेस देना है। एड्रेस कहाँ से लेना है मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे विड्रॉल के लिए 0.01 BNB चाहिए, लेकिन मैं तरीक़ेकार आपको पूरा समझा देता हूँ कि आपने अगर विड्रॉल करवाना हो अपने बाइनेंस से BNB को तो कैसे करना है। तो मैंने एटॉमिक वॉलेट अपना ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं जाके सिर्फ अपना पासवर्ड इंटर करूँगा। आपने पासवर्ड इंटर कर दिया और ओपन कर लिया अपना वॉलेट। अब ओपन वॉलेट किया तो ओपन वॉलेट करने के बाद हमारे पास बैलेंस 0 है, और हम सबसे पहले क्या करेंगे BNB को
सर्च करेंगे एटॉमिक वॉलेट से। आप किसी भी वॉलेट में कर सकते हैं, मेरे पास तो एटॉमिक इंस्टॉल, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, हाउ टू विड्रॉल BNB फ्रॉम बाइनेंस अकाउंट। ठीक है, हमारा पर्पस ये है। आगे कोई सी भी एक्सचेंज या कुछ भी है, कोई सा भी वॉलेट, उसमें कैसे ट्रांसफर करना है ये आपको मालूम है। यहाँ पे सेंड रिसीव पे बटन पे आना है, क्योंकि हमने इसमें रिसीव करना है, और वहाँ से एक्टिव कर देते हैं हम इसको। यहाँ से एक्टिव कर दिया, ये हमारे पास BNB का वॉलेट आ गया। हमने यहाँ से इसको सिंपल जो है कॉपी कर लेना है, यहाँ से आपने सिंपल जाके कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एड्रेस को पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना नेटवर्क कि आपको मेमो की ज़रूरत है। हमारे पास कोई मेमो नहीं है, अगर आपको मेमो की ज़रूरत पड़ती है तो आपने यहाँ पे मेमो भी देना है। यहाँ पे हमारे पास देखें, हमने यहाँ पे नेटवर्क आ गया, हमारे पास नेटवर्क कौन से हैं, BNB है और BSC है। तो हम BNB को कौन सा नेटवर्क, ऑटोमेटिकली हम इसको सिलेक्ट करेंगे। 2400 रुपये इसकी तकरीबन फीस पड़ेगी, 0.005 BNB हमने इसको सिलेक्ट करना है। और ये हमारे पास सिलेक्ट, और यहाँ पे ग्रीन आया, इसका मतलब ये है कि वॉलेट एड्रेस ऑटोमेटिकली मैच्ड। ठीक है, यह हमारा वॉलेट मैच हो गया। अब यहाँ पे मेमो की ऑप्शन आ गई है। अगर हम एटॉमिक वॉलेट को ओपन करें तो यहाँ पे कोई भी मेमो नहीं है, इसका मतलब अगर मेमो नहीं है तो फिर आपको मेमो इंटर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस वॉलेट में मेमो की ज़रूरत होती है वहाँ पे आपने मेमो को लाजमी ऐड करना है, अदरवाइज आपका फंड जो है लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे मेमो नहीं आपने देना, यहाँ पे आपने कितना BNB देना है, जितना मैक्सिमम करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कर देना, वो हमारा है नहीं इतनी लिमिट। मैक्सिमम करने के बाद आपने सिंपल इज दैट इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है आपके सामने। यहाँ पे देखें, ये अमाउंट है, यहाँ पे ये अमाउंट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आके ऑप्शन आ जाएगी कि किससे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट आपने अगर 0.01 लिखते हैं, जैसे हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आपने ये फंडिंग अकाउंट में पड़ी हुई अमाउंट कहाँ पड़ी है, हमें शो भी कर रहा है कि हमारे इसमें अमाउंट पड़ी हुई है, स्पोर्ट वॉलेट में ये अमाउंट पड़ी हुई है। तो स्पोर्ट वॉलेट से हमने ये अमाउंट सेंड करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि आपके जो BNB हैं वो इतने आपको जो है रिसीव होंगे, रिसीव अमाउंट होगी। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद, वॉलेट को चेक करने के बाद आपने इस विड्रॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब इस विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, जो आपने अगर गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया या ईमेल वेरिफिकेशन लगाई है। ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होने के बाद आपके पास आपके एटॉमिक वॉलेट में, अगर मैं मेन वॉलेट में आऊँ तो ये बाइनेंस का अकाउंट है, यहाँ पर आपके अमाउंट जो शो हो जाएगी, इस जगह पर आपके अमाउंट, ये वाली जगह पर, इस जगह पर आपके अमाउंट शो हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी सा और आसान सा मेथड है, जिसके ज़रिए आप अपने BNB को बहुत इजीली जो है बाइनेंस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी वॉलेट में। मैंने आपको सिर्फ एटॉमिक का बताया है, मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस होता थोड़ा सा तो मैं कर लेता, क्योंकि हम कन्वर्जन में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बेसिकली तरीकेकार यही है जो मैंने आपको समझा दिया है ट्रांसफ़र करने का, कि आपने BNB कैसे विड्रॉल करने हैं अपने बाइनेंस अकाउंट से। बस विड्रॉल पर क्लिक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अमाउंट आपके वॉलेट में आपको रिसीव हो जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपका भाई आपका साथ है, आपके अपने भाई को मेल कर सकते हैं या कॉमर्स कर सकते हैं, बिलो दिस वीडियो कॉमर्स करें। कोई प्रॉब्लम होती है मैं इंशाल्लाह जरूर रीड कर दूंगा आपकी कॉमर्स को, और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अगेन ब्रदर, अगर आपको इस वीडियो से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्रिप्टो न्यूज़ गुरु को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करोगे मुझे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी। ओके, और एक दफ़ा मेरे चैनल पे आके इन सारी वीडियोस को आपने देख लेना है, और देखने के बाद शेयर भी करना है, इन वीडियोज़ को शेयर भी करना है, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है और जो इससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो अगेन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अपनी कल की एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।